पागल है क्या? अबे गरीब है। So hi guys, welcome back to the vlog. This is your boy Aman Lips in Kerala, not in Delhi. तो भाई एक बहुत बड़ी वीडियो हुई कि भाई मैं सुबह निकला केरला के लिए और मैंने सोचा कि व्लॉग ला के मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा व्लॉग डालने का, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज 31st है जबकि आज 30th है। और आप सोचोगे कि क्या बकवास कर रहा है, मतलब कि मेरा कॉम्पिटिशन 2nd को है और ऑलरेडी आज मैंने एक वीडियो डाली है, तो सिर्फ एक दिन का गैप बचता और फिर मैं सोचा क्या ही करूँगा उस गैप में वीडियो डाल के, बट 2 दिन का गैप है तो हैंस ये वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है। ऑलरेडी मैं केरला पहुँच चुका हूँ, मैं आपको सफ़र नहीं दिखा पाया, जो कि सफ़र बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था वो भी बताता हूँ कि भाई सफ़र टेढ़ा इसलिए था क्योंकि भाई सबसे पहले तो क्या कहते हैं फ़्लाइट हो गई हमारी 2 घंटे डिले और 2 घंटे हमें फ़्लाइट में बिठा रखा। फिर उसके बाद हम पहुँचे काफ़ी लेट होटल में, रात को 1 बजे पहुँचा हूँ केरला में और मैं अकेला हूँ भाई, मेरी कसम से बता रहा हूँ। बटके 4 हो रखी है, मैं ज़िंदगी में पता नहीं पहली बार होगा कि मैं अपने घर के बाहर अकेला सो रहा हूँ। घर पे मैं भाई के साथ सोता हूँ, मम्मी के साथ सो जाता हूँ और यहाँ पे मेरी कसम से फट रही है, कोई भी नहीं है। बाकी अब आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ, ये दरवाज़ा खुला, उसके बाद आता है यहाँ पे अपना वॉशरूम जो कि एकदम मेरे घर वाले जैसा ही है। सो लाइट क्या चलती है इसकी, और एक ही लाइट है क्या इसकी, बैंड क्या, कितना पैसा खर्चा है, एक लाइट ही है वो जल गई। सो गाइस ये रहा रूम, फुल पावर, शाल लेंगे रात को भी सुबह भी। और फिर अंदर आते हैं अपना ये रूम जो कि 2 सिंगल बेड है क्योंकि कल एक और अपना एक खास गेस्ट आ रहा है जो कल आएगा, मैं आपको उससे मिल पाऊँगा। ये अपना बैग वैग पड़ा है, ये अपना MB मसलेस, यूज़ कोड MNMB, ओके बाकी ओके है। आज वाटर लोड का मेरा आखिरी दिन है, 10 लीटर पी चुका हूँ और 9 लीटर पी चुका हूँ, 1 लीटर पीना रहता है ये पूरा। अब ये पी के मैं सोऊंगा एंड आई विल सी यू टुमारो, बाहर बाहर घूमने चलेंगे, बहुत सारे काम है। सो अगर आप ये व्लॉग यहाँ तक देख, मतलब यार जाके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अभी करो क्योंकि भाई मेरा मत्था ख़राब हो रहा है और मैंने बस कट करा लिया है। ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, ये आपको दिखाऊंगा जब कंपटीशन वीडियो होगी। और गाइस सोने से पहले एक बार मैं अपने सारे के सारे जो विटामिंस और मिनरल्स हैं वो ले लूँ, ये चेक करूँ। ये है वो क्या कहते हैं मल्टीविटामिन, फिश ऑयल और मेन जो सप्लीमेंट आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से वो है टी सर्ज मसल ब्लेस का, टी सर्ज ब्लैक। और भाई ये टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट के लिए एक नंबर सप्लीमेंट है। इस एक प्रोडक्ट के अंदर जो कि है टी सर्ज ब्लैक, इसके अंदर आपको सारे सारे आयुर्वेदिक सब्सटेंसेस मिलेंगे जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद म्यूसली, गोशरा और भी बहुत सारे, स्क्रीन पे आपके सारे के सारे नाम आ रहे होंगे। और पर्सनली बताऊँ तो मैं इसको 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, मेरे को अपने स्ट्रेंथ लेवल्स पे भी इंक्रीज दिखता है और फटीग लेवल्स मेरे कम होते हैं इतना ज़्यादा अपने आप को जिम में पुश करने के बाद भी, और जनरल लाइफ भी मेरी सही रहती है और सेक्सुअल वेलबींग, जनरल लाइफ सब कुछ ओके रिपोर्ट रहती है। तो इसको जाके खरीदो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मेरा कोड MNMB यूज़ करना मत भूलना, मसल की साइड से कुछ भी ऑर्डर करो तो एक ही कोड यूज़ करना है जो कि है MNMB, और जेन्युइन बता रहा हूँ यूज़ करो। मैं कोई भी सप्लीमेंट मिस कर देता हूँ दिन में बट रात को सोने से पहले इसके 3 कैप्सूल 100% लेता ही लेता हूँ। The next day. सो गाइज वेलकम बैक, ये नेक्स्ट डे है और सोचो मैं सुबह सुबह उठ के कहाँ आऊँगा, ये चेक करो। मैं चेक करने आया हूँ कि होटल का स्विमिंग पूल कैसा है क्योंकि एक्सेस करूँगा आज। ये यहाँ पे सालों ने अंडर में टेरेस लिख रखा है बट रियल ऑब्वियसली सही लग रहा है बट गंदा है, इनको बोलता हूँ साफ करें। सो गाइस आ गए हैं बाहर इस ब्यूटीफुल सिटी में, गर्मी काफ़ी हो रही है, जैकेट उतार दी मैंने और अब मैं सोचता हूँ कि कंपटीशन वेन्यू चले जाऊँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल पहुँच जाएंगे, वॉक भी हो जाएगी। और ओ भाई बहुत गर्मी हो रही थी, मैं सीधा ऑटो में बैठ गया, वहाँ मेरे चला ही जा रहा, धूप लग रही थी तेज और सही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर रेंटल स्कूटी मिल जाए ताकि ट्रैवल करना आसान हो जाए और अपनी हवा बाजी हो जाए। आई एम आस्किंग रेंटल स्कूटीज अवेलेबल है, रेंट रेंट वन डे माए विदाउट परचेज। अबे यार एक तो इनको नो नाइन को हिंदी आती है इंग्लिश। गाइस ये वेन्यू अपना इंडोर स्टेडियम है, बाकी यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स की शॉप है,
तो मामला तो ओके लग रहा है, लेट्स सी अंदर जाके। बाकी मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो कि पीछे से मेरी एंट्री बना ले। कितना टाइम स्टार्टिंग? नॉट टुडे, टुमारो। यस टुमारो। और आदमी कितना? स्टूडेंट्स? मोर स्टूडेंट्स विल कम, आई डोंट नो। दिल्ली, दिल्ली से है वैंसोर। ओ भाई का, ओए बंदा है? इज इट क्लोज्ड? भाई यहाँ ना इंग्लिश आती ना हिंदी, मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी यहाँ पे आके। ब्रदर अभी तो कुछ सेटअप ही नहीं हुआ। व्हाट द फक, मैं सोचा आपको दिखाऊंगा प्यारा सा सेटअप। ये वीडियो का मेन एम ही यही था कि आपको सेटअप दिखाऊं। बाकी ओके रिपोर्ट है, ऊपर से देखो, इधर से देखो, फुल इंडोर स्टेडियम वाली फील। तो अब यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, एक बार पता कर लेता हूँ कि कब होगा। रुको ब्रदर, पावर लिफ्टिंग वेयर? पावर लिफ्टिंग इवेंट सर, पावर लिफ्टिंग इवेंट हेयर ओनली? ओके ओके, व्हेन विल इट गेट द? व्हिच स्टेट यू आर फ्रॉम? दिल्ली। दिल्ली, ओके। वेयर इज योर सेक्रेटरी? ही इज इन दिल्ली आई गेस ओनली। Then, not how come you are here? I came early by myself. Okay. And what do you want to know? Just wanted to check the venue and everything. Just the venue. We'll start competitions by tomorrow evening. Tomorrow evening. Yeah, 59 okay. kg will be tomorrow evening. Okay. Inauguration will be 4:30. Okay. Competition will be 5:30. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. What's your name? Aman. Aman. ये यहाँ के वो लग रहे हैं मेरे को सेक्रेटरी, और पता नहीं गुस्सा से हो गए कि तुम यहाँ क्यों आ गए बिना अपने सेक्रेटरी के। बाकी देखो कल क्या होता है, नाम पूछ लिया। अब ये फिर से भाई बीटी ना कर दें कि भाई अमन का नाम है, इसकी लिफ्ट है, इसको फेल दो, बवाल कर देंगे। तो भाई आपको वेन्यू अंदर तो कुछ दिखा नहीं सका कि कैसे सेटअप हो रखा है, तो मैं शाम को एक बार दोबारा आऊँगा या नहीं तो कल सुबह आके इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा जरूर एंड में। अब कुछ खाते पीते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं खाने के लिए। वेट ओके रिपोर्ट आ रहा है, 67.6 आया था, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 1.8 केजी मेरे को कट करना है। दैट विल बी इजी, और पहली बार हो रहा है कि वेट कट मेरा थोड़ा स्मूथ जा रहा है, और स्मूथ नहीं जाता तो मेरी स्ट्रेंथ पे हमेशा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इस बार फुल कोशिश कर रहा हूँ कि कार्डियो ढंग से 1-1.5 घंटा दिन में करूँ, अपनी डाइट ऑन पॉइंट रखूँ, इधर उधर ना जाऊँ ताकि परफॉर्मेंस ज़्यादा हिंडर ना हो। ठीक है भाई, लो भाई होटल का जिम चेक करो, ये अपने काम किया, ये अपने काम किया, ये सब काम की नहीं है, कुछ काम करनी है बाकी। और गाइस एक जिम मिल गया हमें यहाँ पे, बहुत तगड़ा। पहले भाई से मिलो, हमारे जम्मू कश्मीर से। क्या हाल है भैया? बस बढ़िया। वीडियोस देखता हूँ, कैसी लगती है? बहुत बढ़िया। सब चलो, थैंक यू भैया। बाकी यहाँ पे जिम मिल गया, एक रेड बुल उठा लिया, सीधा वर्कआउट। हम जिम ढूंढ रहे थे, करने नहीं आए थे, बट यहाँ पे खा लिया। और केरला में एक ये रिवाज है कि नंगे पैर हमेशा जिम में घुस के वर्कआउट होता है, जूतों वगैरह की अलाउड नहीं होती। जैसे दिल्ली में उल्टा होता है कि आप नंगे पैर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे है कि आप जूतों के साथ नहीं कर सकते। तो रेडबुल हमने उठा ली थी फटाफट से, लाइट मेरा एसवीडी सेशन है वो निपटाएंगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर बीच वगैरह पे चलेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। अभी फटाफट से वर्कआउट शुरू करते हैं। चलो, पहले बहुत तगड़ा जिम है, आर्म रेस्लिंग का भी है, ये पता नहीं क्या है, बॉक्सिंग का, और गुड जिम। बस वो नहीं है कंपटीशन प्लेट्स, बट इससे काम चला देंगे। रबड़ भाई सर मिल गए हैं, जो कि हमारे कितने 14 टाइम नेशनल चैंपियन है। सर आपका नाम क्या है? समीर विटी। समीर विटी, तो अब थोड़ी बहुत मेरे को वो सिखा रहे हैं, ज़्यादा मत थोड़ा मेरा कंपटीशन है, बेसिक सिखा दो। अच्छा, बॉडी साल क्या? मैं ज़्यादा जानने लगाऊंगा, ठीक है? पहली बार कर रहा हूँ मैं ऐसे टेबल पे ना, वरना भाई वो जो बेंच वेंच होता है स्कूल का उसमें करना करो, बट भाई वो भी तो होता है ऐसे करके कुछ करना। रेडी हो पड़ते हैं इसे मात्रा में, ऐसे ही मात्रा। ये टॉप रो है, ये टॉप रो है, ठीक है। ये तो करते हैं, ये हुक है, एक सेकंड, ये साइड पोजीशन है, तीन, ये हुक है, ये टॉप है, ऐसे ही है। तो आपको तो बड़ा छोटा सा नहीं, नहीं बस यार मेरे को ज़्यादा नहीं कर रहा, मेरे को फिर बेंच करनी है अभी। एक बार कंपटीशन हो, एक बार कंपटीशन हो जाए, देन आई विल कम टू यू अगेन, तब थोड़ी जान वान लगा तो पाएंगे भाई। एक आर्म रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट है जो बड़ा अल्फा लगता है ना, आर्म रेसलिंग की जान लग रही है, बट अभी कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वाड में डेट करनी है। हम नीचे आ गए हैं,
ताकि एक बार रूम से जाके सारे वो कॉस्ट्यूम वगैरह ले आए, और बिना नीच नीच के स्पॉट में करना चाह नहीं रहा। एक सेकंड को तो मैंने सोचा कर लूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, कॉम्पिटिशन इज इम्पोर्टेंट, चलो ऑटो कर लो यार, थक गए चलते हैं। तो भाई कहाँ घुमाई जा रहे हो हमें, हम पागल हैं भाई, महाराष्ट्र से है और हम दिल्ली से, और हम दिल्ली वाले महाराष्ट्र वालों की फाड़ के रखते हैं कुछ बोलो भाई साहब बाकी भाई को थैंक यू है भाई हमारे साथ जा रहे हैं, जबकि इनको घर जाने चाहिए, इनकी जॉब है, जॉब छुड़वा दी हमने ताकि हमारे साथ घूम सके। क्या क्लोजअप है हर बार ट्रिप में ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो बड़ा दिल का अच्छा होता है, हेल्प करता है बिना पता नहीं, ना जानता ना कुछ, बिना मतलब के। वो भाई है भाई, आपका नाम क्या है? किरण। भाई हम भाई हो बहन हो कुछ भी समझो, वो तेरी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेट, ओके था भाई, भाई ने शूट करी है। बाकी यहाँ पे मैं बंदे जो जो मिलते हैं मैं कहता हूँ आ जाना देखने, क्योंकि बंदे है नहीं। अगर आप यहाँ रहते हो कोझीकोड, कौन सी जगह थी वो, बीके मेनन इंडोर स्टेडियम, यहाँ रहते हो तो भाई कल आ जाना संडे सुबह 9 बजे मेरा कॉम्पिटिशन देखने, लेट्स गो। जस्ट अभी मैंने वीडियो चेक करी है, भैया तो मेरे पीछे ऐसा लग रहा है क्या दाना खड़ा हुआ है मेरी स्क्वाड से आता भैया पीछे वो लग रहा है तगड़े। बाकी भाई पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही है इतनी, बट बहुत सही मूव हुआ ऐसा लग रहा है। थैंक यू, 20 रेप मार दूंगा, 155 है, अगर बार 15 की तो 150। जॉन इब्राहिम, एक बात बताओ भाई, जॉन इब्राहिम लगते नहीं लगते? सो गाइज, वर्कआउट फिनिश्ड, और एकदम से वर्कआउट करने के बाद इतनी एनर्जी से फील हो रही है, मतलब मज़ा आ गया है जॉन इब्राहिम भाई सच बताना कमेंट करके भाई, जॉन इब्राहिम नहीं लगते? 6 फुट 4 इंच क्या है इनके सामने, मैं लग रहा हूँ बच्चा। और भाई अब हो गया मेरा पानी ख़त्म, अब सिर्फ वे प्रोटीन में 500 ml 2 स्कूप डाल के पी सकता हूँ, बस यही है। और बाकी वर्कआउट हो गया, फीलिंग स्ट्रॉन्ग टुडे, बाकी बस वेट कट हो जाए और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील करता रहूँ, सो वी कैन हिट अ गुड टोटल इन द जिम। अब भैया कुछ खाएंगे पियेंगे और मैं होटल जाऊंगा, बीच जाएंगे और एक बार फिर से हम कंपटीशन वेन्यू चेक करके आते हैं, अगर मतलब सेटअप हो गया नहीं हो गया, क्योंकि वो मेरे को आपको दिखाना ही दिखाना है। एक वेट देता है ना, 2-3 kg देता है भाई। फिर आ गए हमारे किरण भाई, भाई जिम करके एकदम एनर्जी आ गई है, पैर की बंदा फाड़ दूंगा। अब भाई जो जम्मू कश्मीर से वो कह रहे हैं आप कितनी गालियाँ देते हो, मैं बैठ गई। सो गाइस, आपके लिए स्पेशल नेक्स्ट डे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ ये बनाने के लिए, और कोई सेंस नहीं आने का। दिस इज द स्टेज लुकिंग गुड, एक बार पास जाके देखते हैं, लुक्स गुड। कल यहीं पे धमाल हुआ। सो गाइस, ये स्टेज के पीछे है अपना वार्म अप एरिया। ओ भाई साहब, यहाँ भी स्टैंड लगे हुए हैं, नाइस। ओ बड़ा खुला है, यहाँ पे भी बाहर चेक करें, ठीक है। गाइस जेन्युइनली पिछली बार जो नागपुर वाला था वो जितना बुरा हुआ था ये उतना ही अच्छा है, क्यों भैया, है ना? पीछे वार्म अप में इतनी प्लेटें पड़ी है, इतनी बार, और सिर्फ सीनियर का ऐसे 4 प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं, तो दैट्स अ रियली गुड साइन, पावर लिफ्टिंग इज ग्रोइंग। बाकी कल मिलते हैं। वार्म अप रूम के बाहर लगा रखी है ताकि बंदों को चेक करना हो तो आगे चेक कर लो, बार बार अंदर जाके परेशान न करे। तो अब हम जा रहे हैं सीधा वार्म अप रूम में, आओ आपको लेके चले भाई है अपना। Yeah, this is the warm-up room, guys. यहाँ तो AC लगे हुए हैं। So okay, guys, venue देख लिया और बड़ी ओ हाँ भाई कंपेटिटर साफ आए हैं। हो गया बॉडी वेट? भाई हो जाएगा, कल देखता हूँ तेरे को। अबे क्या हो गया भाई, कल आ जा। तो आज क्यों मार रहा है मेरे? बोल रहा हूँ कल आ जा। पागल पागल है क्या? अबे ऐसा क्यों, मैं तेरी है